हेलो प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला एवं पहाड़ियाँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हिमालय के अतिरिक्त कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो इसमें और कहाँ पर हैं, क्या इनका क्रम है और किस किस राज्य में हैं। कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की सर्वोच्च चोटी के बारे में भी हम जानेंगे, सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इस वीडियो में सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो में आप बने रहिएगा और इसको स्किप ना करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारा पश्चिम से पूर्व तक उत्तराखंड से लेकर के सिक्किम अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरा हिमालय है और ये इसका हिमालय का इस तरह से विस्तार है। और ये आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अतिरिक्त हिमालय के अतिरिक्त जो भी हमारे देश में पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत चोटियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे। ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और मुख्य रूप से आपको ये राजस्थान में देखने को मिलती है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर, वो भी राजस्थान में ही है। और ये जो गुरु शिखर है ये यहाँ पर है, ये कहाँ पर पड़ता है, ये माउंट आबू यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, इसका पर्यटन क्षेत्र है गुरु शिखर, माउंट आबू के पास है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ इस तरह से फैली हुई हैं पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की दिशा में, और यह गुजरात से, इसका विस्तार गुजरात तक भी है। तो ये गुजरात से स्टार्ट होती हैं और ये पहुँचती हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी के विस्तार पर है, रॉयल सेना हिल्स के नाम से उसको जानते हैं। तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये अरावली श्रृंखलाएँ लगभग 800 किलोमीटर लंबी हैं और इनका जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली श्रृंखला। और यह विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से भी एक गिनी जाती है। और अगर क्वेश्चन आए कि भारत के एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण दीजिए तो भारत के अवशिष्ट पर्वत का जो उदाहरण होगा वो एक अरावली पर्वत होगा। वो क्या उदाहरण होगा? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत का एक अच्छा उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का अर्थ होता है कि ऐसा पर्वत जो कि पवन और वर्षा यानी जल की मार से बहुत इसका अपरदन हो गया हो जिस पर्वत का, और उसका जो है अत्यधिक जब अपरदन हो जाता है तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। भारत में अवशिष्ट पर्वतों के अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे ये हमारा विंध्य पर्वत है और सतपुड़ा पर्वत है, ये भी अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। तो इसके बाद हम नंबर दो पे सीधे आते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इसका जो है वो गुजरात, विस्तार जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में है। ये आप देख रहे हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तथा इधर छत्तीसगढ़ तक है। और इसका विस्तार स्वरूप, इसके विस्तार में महादेव पर्वत श्रृंखला भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। महादेव पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पहाड़ का ही विस्तार है और सतपुड़ा पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ है
और यह धूपगढ़ जो है पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हम आते हैं उसके साउथ में सतमाला पहाड़ियाँ। इनका विस्तार जो है महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से कुछ इनका विस्तार आपको यहाँ तक छत्तीसगढ़ तक भी मिल जाएगा। और उसके पश्चात आपको अजंता हिल्स मिलेंगी, अजंता की पहाड़ियाँ कहाँ पर? सतमाला के पूर्व में अजंता की पहाड़ियाँ और सतमाला के दक्षिण में हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जिनका नाम है बालाघाट पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? बालाघाट पर्वत श्रृंखला। बालाघाट पर्वत श्रृंखला के जैसे ही आप दक्षिण पूर्व में जाते हैं तो आपको मिलती है नल्लामलाई हिल्स। ये आपको मिलती हैं नल्लामलाई हिल्स। ये पूरी तरह से आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगी, या यूं कहें कि नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाती हैं। आगे देखते हैं तो हमको नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। यह एक नॉट है, यह गांठ है। गांठ इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं ये जो आपको लाइन दिख रही है ब्लैक सी, ये है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट आपको मिल जाएगा गुजरात से स्टार्ट होकर के आपको यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये पश्चिमी घाट का विस्तार मिलेगा। और पूर्वी घाट का विस्तार आपको इस तरह से पूर्वी तट पर मिलेगा, तट के सहारे सहारे। तो ये जो पश्चिमी घाट हैं और जो पूर्वी घाट हैं इनका मिलन होता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, इसलिए यह नॉट है, नॉट के रूप में काम करती है, गांठ के रूप में जानी जाती है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो मुख्य रूप से वो कहाँ है, वो तमिलनाडु में है। और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर की है, 2637 मीटर ये हाइट है दोदा बेटा। और इसी पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री इसको कहते हैं, इसी सह्याद्री में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अन्नामलाई। ये अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई यूँ कहें कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन? अन्नामलाई। अन्नामलाई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एक बार माफ़ करिएगा, अन्नामलाई जो है पश्चिमी घाट का ही जो है पार्ट है, भाग है। और अन्नामलाई हिल्स यानी अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। अन्नामलाई हिल्स जो कि पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री का भाग है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। इसकी जो हाइट है 2695 मीटर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पूरे दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अनाईमुडी 2695 मीटर। फिर अनाईमुडी पर्वत श्रृंखला के साउथ में आते हैं तो ये हैं इलायची की पहाड़ियाँ, इसको कार्डमम हिल्स भी कहते हैं। यहाँ पर इलायची का उत्पादन बृहद मात्रा में होता है, कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ। अब हम पूर्वी तरफ रुख करते हैं, पूर्वी घाट की तरफ। तो पूर्वी छोर की तरफ रुख किए तो सबसे पहले आपको तमिलनाडु मिलेंगे सेवराई हिल्स, तमिलनाडु में है। फिर तमिलनाडु में ही आपको मिलेंगी जवादी हिल्स। इनका क्रम देख लीजिएगा, सेवराई, जवादी, उसके बाद हम पढ़ चुके हैं नल्लामलाई के बारे में। और रामगिरी श्रृंखला जो तेलंगाना में मिलती है, रामगिरी पर्वत श्रृंखला तेलंगाना में ही मिलती है। उसके बाद हम आते हैं उड़ीसा में जो है वो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है गड़जात पहाड़ियाँ। कहाँ मिलेंगी आपको? उड़ीसा में पूरी तरह से मिलेंगी। इसके साउथ में आएंगे आप तो मलयागिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित विंध्यन पर्वत की।
विंध्य पर्वत के जो है पूरा आप जाएंगे तो आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला मिलेगी और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक आपको मिल जाएगा। इसके साउथ में आप आएंगे तो रामगढ़ पहाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको, इनका विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आपको हजारीबाग प्लेटू मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा झारखंड में छोटा नागपुर पठार, ये जो एरिया है झारखंड का है, छोटा नागपुर पठार है, यहीं से दामोदर नदी निकलती है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और हुगली की एक सहायक नदी है। फिर आइए दक्षिण के पठार का एक पूर्वी विस्तार देख लेते हैं। गारो खासी जयंतिया के रूप में ये पूरी तरह से मेघालय में मिलेंगे आपको। गारो खासी जयंतिया, ये तीनों ही गारो खासी जयंतिया, वहाँ की जनजातियों के नाम से इनको रखा गया है। गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया, इनका क्रम देख लीजिएगा, पश्चिम से पूरब, पश्चिम में गारो हिल्स, फिर उसके पूर्व जाएंगे खासी हिल्स, फिर पूर्व जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जयंतिया। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में दो पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी, पर्वत श्रृंखलाएँ डफला और मिश्मी, पश्चिम में डफला, पूर्व में मिश्मी। फिर आपको दक्षिण में आप जाएंगे नागालैंड में नगा हिल्स मिलेंगी और मिजोरम में आपको क्या मिलेंगी, मिजो हिल्स, मिजोरम में मिलेंगी आपको मिजो हिल्स। तो आइए अब इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर बताए जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन आपको बताते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। पहला विकल्प है आपके पास हिमालय, दूसरा विकल्प है आपके पास अरावली और तीसरा विकल्प आपके पास है विंध्य और चौथा विकल्प आपके पास है सतपुड़ा। तो इन चारों में आपको बताना है सबसे प्राचीन कौन है। हम देख चुके हैं अरावली हिल्स हैं सबसे प्राचीन है, भारत की हैं चारों में से ही, क्यों, ये पूरी भारत की हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपको आपके सामने इस प्रकार से, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊँची जो चोटी है वो अभी अभी आपको बताई, अनाई मुडी, 2695 मीटर ऊंची है और ये जो है वो अन्नामलाई हिल्स में है। अन्नामलाई हिल्स किसका पार्ट है, पश्चिमी घाट का पार्ट है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री। और ये पूरी तरह कहाँ पे पड़ती है, अन्नामलाई हिल्स कहाँ पड़ती है, केरल में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है, केरल में पड़ती है। जब कभी आपको मुन्नार जाने का मौका मिले तो आपको अन्नामलाई के भी दीदार वहाँ पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पर्वत श्रृंखला, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना चाहेंगे, नर्मदा जो है इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई और सतपुड़ा के उत्तर से निकल जाती है और अरब सागर में गिरती है, वहीं ताप्ती जो है सतपुड़ा के दक्षिण से बहती हुई इस प्रकार से निकल जाती है। ताप्ती, ताप्ती नदी किनारे सूरत शहर है, गुजरात का प्रसिद्ध शहर है। तो ताप्ती और नर्मदा के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा श्रृंखला। अगला क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, उत्तर से दक्षिण में शुरू करिए और पर पहाड़ियों का अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर से दक्षिण, महादेव पहाड़ी, चार विकल्प हैं, महादेव पहाड़ी, नल्ला मलाई, जवादी और शिवराय। तो ये सीधा सीधा सही क्रम है, महादेव, जवादी और शिवराय। इसी प्रकार से आपको कोई भी पर्वत श्रृंखला दे सकते हैं, जैसे चारी दे दी, हरिश्चंद दे दी, नीलगिरी दे दी, अन्नामलाई दे दी और काड़मा भी दे दी और पूछा उत्तर से दक्षिण बताइए। तो हरिश्चंद उत्तर से, फिर दक्षिण में आएंगे नीलगिरी, फिर उससे दक्षिण में अन्नामलाई, फिर आएंगे काड़मा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है। तो डोडा बेटा चोटी जो है कहाँ स्थित है, अभी आपको बताया था, डोडा बेटा चोटी जो है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, और ये ऊटी में है। कहाँ पर है, ऊटी में है, ठीक है। और यह पूरी तरह से कहाँ पर है, तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अगला है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है, अभी आपको बताया, तमिलनाडु में है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली है। तो इसका आंसर है अजंता पहाड़ियाँ, इसका विस्तार अन्य किसी राज्य में नहीं है, इसका विस्तार सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ इसका विस्तार है
कहाँ पर? महाराष्ट्र में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अभी आपको बताया कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ, इनको कहते हैं हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पर हैं? ये हैं आप केरल में, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर ये इलायची की पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये थे कुछ प्रमुख प्रश्न जो कि आज के इस वीडियो पे आधारित थे। तो हमने पढ़ा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपको लाभदायक सिद्ध हो रहा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को ज़रूर अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।